छात्रों, इसके पूर्व हमने देखा था कि मेलोन की वेला इस कहानी का पहले वीडियो में हमने देखा कि मेलोन की वेला आने पर किस तरह से बस्ती बस्ती में रौनक छाती है और छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक किस तरह से झूम खुशियों से झूम उठते हैं जब मेलों का समय आता है तब। और इस मेलों में छोटी दुकानों से लेकर बड़ी दुकानें यानी बाजार बसता है और जो चाहे अपने मन की चीजें वहां जाकर खरीद सकता है। उसके बाद हमने देखा कि पोंगल और मकर ऐसे दो त्योहारों के बारे में हमने जानकारी ली थी। पोंगल यह किसानों का त्यौहार है और इस त्यौहार में लोग सुबह जल्दी उठकर खीर चूरमा खाते हैं यानी मिष्ठान्न तैयार करते हैं, अच्छा भोजन करते हैं और लोग खाते हैं। उसके बाद दौड़ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, दौड़ प्रतियोगिताएं होती हैं वहां पर जाकर वो अपने बहनों को दौड़ाते हैं। उसके बाद हमने स्त्रियों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार गौरी शीतला पूजन इसके बारे में हमने जानकारी ली थी कि ये जब त्यौहार मनाते हैं स्त्रियां मनाते हैं तब वो गीत गाते हैं, गौरी के गीत गाते हैं और वो सजते हैं संवरती हैं और अपने ही मुंगन में वो मुस्कुराते हैं। जब उनके इस रूप को कोई देखता है वो सजते संवरती हैं, ऐसा रूप उनका जो देखते हैं तब वो घूंघट में ही मुस्कुराते हैं। उसके बाद एक बड़ा त्यौहार देखा हमने होली की पिचकारी में बहुत बड़े से रंग खुले हुए होते हैं जो प्रेम के रंग होते हैं, है ना। इस त्यौहार को मनाने के लिए सभी ऊंच नीच का भेद भुलाकर इस त्यौहार को मनाते हैं और ऐसे में वो रंग जो भुला हुआ होता है वो कौन सा रंग होता है, प्रेम का रंग होता है। इतनी जानकारी हमने ली थी। अभी जो हम देखने वाले हैं वो कविता का अगला हिस्सा है जिसे हम अभी पढ़ते हैं। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुम पर जबाए, दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए, ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे, गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते गुंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते, ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे, स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस बाल दिवस गांधी मेला एक प्राण हो सभी मनाए जब हो मेलों की लीला। देखो इसमें पहला ही त्यौहार है रक्षाबंधन। कौन सा त्यौहार है? रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन से आपको घर से पता चल गया होगा कि यह भाई और बहन का त्यौहार है। बहन क्या करती है अपने इस रक्षाबंधन को कि बहन अपने भाई को राखी बांधती है ना, राखी बांधती है ना। तो राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए जैसे भी हो मैं पहुंचूंगा विपदा तुम पर जब आए, पहले ही राखी के बंधन में वो भाई को बांधती है और ये कहती है कि मेरी रक्षा करो, पर भाई भी क्या कहता है, वचन देता है अपने बहन को जब जब तुम्हारे ऊपर कोई संकट आएगा, संकट मुसीबत विपदा यानी क्या मुसीबत, तो जब जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तब क्या करूंगा मैं उस समय तुम्हारी रक्षा के लिए जरूर पहुंचूंगा, ऐसे भाई अपने बहन को वचन देता है। दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए, दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, दीपक देखा है आपने, दीपक चित्र में दिखाया गया है, उस चित्र में दिया है और उसकी शिखा यानी दीपक की लौ उसे शिखा कहते हैं, देखो इस तरह होती है वो। इसे कहते हैं
वो देखिए, दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। मेहनत करने वाला व्यक्ति देखो, जब वो मेहनत करता है तब क्या क्या होता है, पसीना बहता है ना। हाँ, तो दिवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए, वो अपनी शिखा डुलाकर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए। जो जो मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसी के घर में लक्ष्मी आती है। अब लक्ष्मी यानी कौन? देवी नहीं, लक्ष्मी यानी पैसा। लक्ष्मी यानी क्या? पैसा। उसी के घर में आते हैं जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करके पसीना बहाते हैं, उसी के घर में यह लक्ष्मी जी वास करती है यानी रहती है। पैसा उसके घर में आता है। यह महत्वपूर्ण संदेश वह दीपक की लव यानी शिखा हमें बता रही है, यह महत्वपूर्ण संदेश हमें दे रही है। ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे, बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। ईद मुबारक कहने को, देखिए ईद का अवसर होता है, ईद का त्योहार होता है, तब मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को बधाइयां देते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं, और ऐसे ईद मुबारक करने के लिए वो मस्जिद में जाते हैं और वहाँ जाकर अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, वहाँ जाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो इस तरह वह मस्जिद में जाकर जाते हैं, तब बहुत बहुत भीड़ होती है मस्जिद में, है ना, एक दूसरे को लोग ईद मुबारक कहते हैं। बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे, जिस तरह मुस्लिम लोग ईद मुबारक करने के लिए, ईद मुबारक कहने के लिए मस्जिद में जाते हैं, वहाँ जाकर वो दुआएं मांगते हैं, उसी तरह बड़े दिवस के अवसर पर, बड़े दिवस, बड़ा दिवस यानी कौन सा त्यौहार? त्यौहार क्रिसमस का त्यौहार। बड़ा दिवस को ही क्रिसमस का त्यौहार कहा जाता है, क्रिसमस जो क्रिश्चियन लोगों का त्यौहार है। बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे। अब यहाँ पर क्या होता है, गिरजों की घंटे यानी गिरजाघर के, यानी क्या, गिरजाघर के घंटे गूंज उठते हैं। जिस तरह हम मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम लोग किधर जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, उसी तरह क्रिश्चियन लोग प्रार्थना करने के लिए गिरजाघरों में जाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है। गिरजों के घंटे गूंज उठे, वहाँ जाकर वो प्रार्थनाएं करते हैं, इसी तरह वो अपने त्यौहार को मनाते हैं। बड़े दिवस के अवसर पर हम देखते हैं कि छोटे बच्चों को सांता क्लॉज क्या करता है, खिलौने भी देता है ना, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें देता है, चॉकलेट देता है, छोटे बड़े उपहार देता है, तो उस दिन छोटे बच्चे बहुत खुश होते हैं ऐसे बड़े दिवस के अवसर पर। इसलिए इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और इस त्यौहार को ईसा मसीह के जन्मदिन की खुशी में मनाया जाता है। गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते। गिरिजन यानी क्यों कौन? गिरिजन यानी पर्वत पर रहने वाले लोग, पर्वत पर रहने वाले लोग, और वनवासी यानी वन में रहने वाले लोग, दोनों में भेद देखिए क्या है। गिरिजन यानी पर्वत पर रहने वाले लोग, और वनवासी यानी जंगल में रहने वाले लोग। अब ये लोग कैसे होते हैं? बहुत ही साहसी होते हैं, और ये जो त्यौहार मनाते हैं उनमें जो प्रतियोगिताएं रखते हैं या फिर खेल खेले जाते हैं, वो भी बहुत साहसी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, देखिए, गिरिजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते, वो अपने हाथों से, अपने इस मजबूत हाथों से रथ ओढ़ने का काम करते हैं, बहुत बड़ा साहसी खेल वो इस त्यौहार में खेलते हैं। गुंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस हो जाते। देखिए जब त्यौहार ऐसे होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग त्यौहार होते हैं, मेले लगते हैं, तब कुछ लोग ऐसे गुफाओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादा भीड़ करते हैं, और सब जगह के लोग वहाँ पर होते हैं, और समरस यानी समरस का मतलब है मिलकर एक होना। समरस का मतलब क्या है? मिलकर
एक होते हैं और इस जगह पर वो घूम कर आते हैं। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। देखो त्योहारों के वक्त ऐसे शहनाई बजती है, ढोल नगाड़ा बजता है, बीन बांसुरी ये वाद्य है, ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी बजते है ना, तो जब बजते हैं तब क्या होता है, हमारा शरीर भी हिलने लगता है, हमारा देह हिलने लगता है, हमें भी लगता है कि हम नाचे गाए। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे, हमारे पैर भी हिलने लगते हैं, हम नाच, हमें ऐसा लगता है कि हम भी नाचे उस ताल पर। कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। कत्थक भंगड़ा यह नृत्य प्रकार है। कत्थक भंगड़ा रास रचा भंगड़ा, भंगड़ा यह पंजाब का नृत्य है, पंजाब का नृत्य है भंगड़ा। कत्थक यहाँ पर चित्र में दिखाए गए हैं कि भंगड़ा किस तरह से लोग कर रहे हैं, कत्थक भी उसके नीचे एक औरत नाच रही है, कत्थक कर रही है। उसके बाद गरबा से धरती धमक उठे। गरबा यह गुजराती लोगों का एक नृत्य प्रकार है, गुजराती लोग करते हैं उसे, दांडिया हाथ में लेते हैं और वो गरबा खेलते हैं। आज सभी भारत के सभी जगहों पर ये नाच हमें दिखाई देता है, खेलने में बहुत मजा आता है। ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती धमक उठे। ऐसे त्योहार के वक्त देखिए गरबा हम खेलते हैं नवरात्रि के उत्सव में, है ना, देवी की तस्वीर होती है, देवी की मूर्ति होती है, उसके सामने हम ये त्योहार ये नृत्य करते हैं और इसमें छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सब उसमें शामिल होकर वो नाच करते हैं, वो नृत्य करते हैं। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए जब हो मेलों की बेला। देखो ये जो हमारे भारत के जो त्यौहार है इसमें तो सब लोग शामिल होते ही हैं, पर ऐसे भी त्यौहार है जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार है, जिनको राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है। इसमें होता है स्वतंत्रता दिवस, है ना, स्वतंत्रता दिवस, उसके बाद गणतंत्र दिवस, यह हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, उसके बाद बाल दिवस और गांधी मेला। इस त्यौहार को हम स्कूल में मनाते हैं, कार्यालयों में मनाते हैं, ऐसे जगहों पर इनको मनाया जाता है और इनको मनाने के लिए बच्चे सच धज कर अपने स्कूलों में जाते हैं, कार्यालयों में बड़े लोग जाते हैं, सच धज कर जाते हैं और गणतंत्र दिवस को झंडा फहरा कर, स्वतंत्रता दिवस को झंडा फहरा कर इस त्यौहार को मनाते हैं। बाल दिवस हो तब बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को पूजते हैं, गांधी मेला हो तब महात्मा गांधी की तस्वीर को पूजते हैं, ऐसे इस त्यौहार को मनाते हैं। और ये त्यौहार मनाने के लिए सब एक प्राण होकर इकट्ठा होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। जैसे कि आपने स्कूलों में देखा होगा कि गणतंत्र दिवस मनाते वक्त किस तरह से खुशियां होती है सबके चेहरे पर, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस और गांधी मेला जो हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, और ये सभी त्यौहार मनाने के लिए हमें एक समरस होना है, एकजुट होना है और इन त्योहारों को हमें मनाना है। इस कविता को फिर से मैं पढ़ता हूँ। राखी के बंधन में बंधकर भाई चुप चुप कह जाए जैसे भी हो मैं पहुँचूंगा विपदा तुम पर जब आए, दीवाली का दीपक झिलमिल शिखा डुलाकर कह जाए बहा पसीना करे परिश्रम लक्ष्मी उसके घर आए, ईद मुबारक कहने को मस्जिद के गुंबद गूंज उठे बड़े दिवस के अवसर पर गिरजों के घंटे गूंज उठे, गिरजन वनवासी मिलजुल कर रथ यात्रा में जुट जाते गूंजे मंदिर हंसी गुफाएं सब मिल समरस को जाते, ढोल नगाड़ा बीन बांसुरी ताता थैया थिरक उठे कत्थक भंगड़ा रास रचा गरबा से धरती थमक उठे। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, गांधी मेला, एक प्राण हो सभी मनाए जब हो मेलों की बेला, जब हो मेलों की बेला। यहाँ डॉक्टर जयनारायण कौशिक की मेलों की बेला यह पद्य यहाँ पर समाप्त होता है।